अनिल अंबानी की कंपनी दिवालिया हो चुकी है और इसी कंपनी को खरीदने के लिए दूसरी कंपनियां बोली भी लगा रही हैं। पर इसी बीच ये अच्छी खबर आई है कि अनिल की इस कंपनी के शेयर रॉकेट की रफ्तार से चल पड़े हैं, जिसे देख अनिल अंबानी को कंपनी को लेकर एक नई उम्मीद पैदा हो गई है। रिलायंस कैपिटल के शेयर में पिछले 5 कारोबारी सेशन से अपर सर्किट लग रहा है। अनिल अंबानी की ये कंपनी भारतीय बाजारों में लिस्टेड रिलायंस ADAG की कंपनियों में से एक है। रिलायंस कैपिटल इन दिनों टोरेंट ग्रुप और हिंदुजा ग्लोबल द्वारा अधिग्रहण की वजह से खबरों में है। रिलायंस कैपिटल शेयर आज NSE पर ₹10.65 के इंट्राडे हाई पर पहुंचा। आज अपर सर्किट लगने के बाद ये स्टॉक नए साल 2023 में सभी 5 सेशन में अपर सर्किट लगाने में कामयाब रहा। पिछले 3 दिनों में ये स्टॉक 15% तक बढ़ा है। रिलायंस कैपिटल इस वक्त दिवालिया प्रोसेस से गुजर रही है। इस दौरान कर्ज के बोझ तले दबी रिलायंस कैपिटल की बिक्री प्रक्रिया कानूनी विवादों में है। पिछले 5 सालों में रिलायंस कैपिटल के शेयर 98% तक टूट चुके हैं। इस दौरान शेयर की कीमत ₹600 से ₹10.10 पर आ गई। इस समय इस स्टॉक का 52 वीक के हाई ₹23.30 और 52 वीक का लो ₹8.70 रहा है। रिलायंस कैपिटल का बिक्री का मामला NCLT अदालत में है, क्योंकि टोरेंट ग्रुप और हिंदुजा ग्लोबल ने इसके अधिग्रहण के लिए 21 दिसंबर को ई नीलामी में भाग लिया था। ऑक्शन में टोरेंट ग्रुप ने प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए 8,640 करोड़ रुपए की पेशकश के साथ बोली लगाई है और ये बोली सबसे ऊपर थी, लेकिन 2 दिन बाद हिंदुजा ग्लोबल ने 9,000 करोड़ रुपए की संशोधित बोली की पेशकश हाजिर कर दी। मामले की सुनवाई करते हुए NCLT ने टोरेंट ग्रुप को राहत देते हुए कहा और रिलायंस कैपिटल को हिंदुजा ग्लोबल के नए प्रस्ताव को स्वीकार करने से रोकने का निर्देश दिया। उम्मीद है कि NCLT अगले सप्ताह इस मामले की सुनवाई करेगा। रिलायंस कैपिटल को किसकी बोली स्वीकार करनी चाहिए, इस संबंध में अंतिम निर्णय NCLT लेगा। कंपनी के स्टॉक में लगातार तेजी आ रही है। इस पर एक्सपर्ट का कहना है कि बाजार में नए वित्तीय वर्ष में कंपनी के नए प्रबंधन पर रिलायंस कैपिटल स्टॉक के बारे में चर्चा कर रहा है। NCLT से जो भी फैसला आता है, बाजार उम्मीद कर रहा है कि परिणाम रिलायंस कैपिटल के वित्तीय और कॉरपोरेट मैनेजमेंट के लिए फायदेमंद होगा। BSE पर पिछले 6 महीनों में यह स्टॉक 12% से अधिक गिरा है। पिछले 5 सालों में इस स्टॉक में भारी गिरावट दर्ज की गई। 12 जनवरी 2018 को यह स्टॉक ₹585.25 पर था। इसके बाद अब तक इसके शेयरों में 98% से अधिक की गिरावट आई है। YTD के आधार पर रिलायंस कैपिटल के शेयरों में 20.34% तक की तेजी आई है।